जितेंद्र तिवारी साहब और हमारे साथी जनाब कॉमरेड अशोक सामंत साहब और हमारे जेल में जितने बैठे हुए हैं तमाम हजरात और हमारे रबीउल इस्लाम भाई, हमारे ईदगाह के मुतवल्ली जनाब समीरुद्दीन साहब, तमाम सामने बैठे हुए हजरात, आज बहुत ही खुशी का मकाम है। एक पहले रोजे के बाद अल्लाह ताला ने इनामात से नवाजा है। ईद के नमाज के वक्त ईदगाह जो है मिल्ली जगह है, मिल्लत की जगह है और हम लोग हर साल यहाँ तमाम कम्युनिटी के लोग, तमाम पार्टी, लीडिंग पार्टी, ओपोजिशन पार्टी, तमाम यहाँ पे बैठते हैं और बैठ करके पूरे आसनसोल, पूरे बंगाल, पूरे हिंदुस्तान के मुतल्लिक बातें करते हैं और अपने भगवान से, खुदा से, अल्लाह से आज ये दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला भगवान तमाम दुनिया में, तमाम मंगरी बंगाल में, आसनसोल में अमन सुकून कायम रखे। आज जातीय एकता बढ़ाने का, कौमी एकजुटी, नेशनल इंटीग्रेशन का दिन है और हम लोग इस नेशनल इंटीग्रेशन को, कौमी एकजुटी को, जातीय एकता को हम लोग यहाँ पे बढ़ावा देते हैं ताकि हमारा मुल्क अमन ममान कायम रहे और हमारे आसनसोल एक तवारीख हासिल कर चुका है। हमारे आसनसोल में कोई भी ईद हो, बकरीद हो, दिवाली हो, होली हो, सब जो त्यौहार है, फेस्टिवल है, एक नेशनल फेस्टिवल बन के रह गया है, तमाम कम्युनिटी का फेस्टिवल बन के रह गया है। आज हमारे तमाम हजार जो शामिल हुए हैं हमारे प्रोग्राम में, हमारे ईद के फेस्टिवल में, हम तमाम ईदगाह के कल्याण के जानिब से, ईदगाह कमेटी के जानिब से तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं।